सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी वीडियो लेके आए हैं रणजीत बावे दे एक गाने दे इशू ते, जो कि कहिंदा है पत्थरां नूं दूधिया। इस वीडियो तो बाद च बहुत सारा विवाद उठिया ते कई जाने दरबार साहब दे उत्ते भी उंगलां चक रहे ने। ते इस दौरान कुछ तस्वीरां लोकी शेयर कर रहे ने, जो कि दिखाया जा रहा है कि दरबार साहब दुध नाल धोता जा रहा है। वीर तुहानू दस दिए कि जो दरबार साहब का फर्श धोता जाता है वह दुध के नाल नहीं, कच्ची लस्सी के नाल धोता जाता है। वो कुछ कारण आदा कुछ रीज़न आते इसलिए क्योंकि एंटी बैक्टीरियल होंगे। जे दुध नाल सिर्फ धोता जाए तो फर्श खराब हो जाऊगा, पर इसीलिए वह कच्ची लस्सी वरती जाती है ताकि फर्श एंटी बैक्टीरियल के नाल सदा वधिया रहे। दूसरा कारण यह है कि हरिमंदर साहब के आले दुआले सरोवर है, तो सरोवर के मछलियां हैं, तो जे फर्श धोते धोते पानी सरोवर में चले जाए जे वो कैमिकल हो मछलियां नूं नुकसान पहुँच सकता है। तीसरा कारण यह है कि संगतां उत्थों सरोवर विच्चों जल घरे लैके जांदियां ने, छकदियां भी हन, इसनान पानी भी करदियां ने, तो जे वो कैमिकल दे नाल फर्श धोता जाए तो वह संगतां नूं भी नुकसान पहुँच सकता है। इस करके फर्श नूं कच्ची लस्सी दे नाल धोता जाता है। वीरो एक गल होर आ, जिहड़ी ये सेवा है सिर्फ वह सेवादार या कोई पूर्ण गुरसिखा रहत बच्चा उही ये सेवा निभा सकता है, दूजा कोई ये सेवा नहीं कर सकता। ये सेवा करन दा एक प्रोसीजर आ ते इनू फॉलोअप करना पैंदा, ते इनू कोई भी धंधा या इहदे नाल किसी नू कोई नुकसान नहीं पहुँचता, ना कि किसी की जेब चो पैसा जाता, ना किसी श्रद्धालुओं नू इहदे वास्ते पे करना पैंदा, ना लाइना ला के दुध का कटोरा फड़ के खड़न की लोड़ आ। ये सिर्फ एक क्लीनिंग करन दा प्रोसीजर आ। फिर एक गल होर आ कि एक मैं शेयर करदा पोस्ट थोड़े नाल, उहदे विच क्लीनिंग दा सारा प्रोसैस लिखिया होया, ते तुसी इहनू प्लीज़ रीड करो ते इहनू समझो कि ये क्लीनिंग दा प्रोसैस की आ, ते तां करके तुहानू पता लगेगा कि क्यों दरबार साहब कच्ची लस्सी दे नाल धोता जाता है। तो कई लोग हैगे आ जिहड़े अफवाह उड़ाउंदे आ दरबार साहब ते उंगला चकदे आ, तुहानू इहदा विच्चों जवाब भी मिलेगा। तो वीडियो नू इत्थे फिनिश करते हैं, तो थैंक यू, लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करियो ताकि पता लगे। Thank you.